नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना है जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव में सभी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है। रैलियों और जनसभाओं का दौर भी जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र पर खास फोकस कर रखा है। उन्होंने यहां 16 रैलियां की हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में 4 जनसभाओं को संबोधित किया है। रैली और रोड शो करने के मामले में पीएम मोदी राहुल गांधी से करीब 3 गुना आगे हैं। लेकिन क्या ये रैलियां और ये चुनावी सभाएं बीजेपी को लाभ दिला पाएंगे या नहीं, ये 4 जून को ही क्लियर होगा। लेकिन दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा और कांग्रेस ने खूब दमखम लगाया। भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। भाजपा 400 पार के लक्ष्य पर काम कर रही है तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी रोजाना करीब 2 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पर जारी कार्यक्रमों पर नजर डालें तो 20 से 30 अप्रैल तक प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों में 31 जनसभा को संबोधित किया तो वहीं राहुल गांधी ने 2 केंद्र शासित प्रदेश समेत 10 राज्यों में 11 रैलियां की। पीएम मोदी ने भोपाल और बरेली में 2 रोड शो भी किए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में नांदेड़, परभणी, कोल्हापुर, सतारा, पुणे, सोलापुर, मांढा, उस्मानाबाद और लातूर समेत कुल 9 जनसभाएं की। साथ ही कर्नाटक के चिकबल्लापुर, बेंगलुरु उत्तर, बेलगावी उत्तर, कन्नड़, दावणगेरे, बेल्लारी और बागलकोट में कुल 7 रैलियां की। राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर और दक्षिण गोवा में 1-1 जनसभा की। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, आंवला और शाहजहांपुर में कुल 4 रैलियां की, जबकि बिहार के अररिया और मुंगेर में 2 जनसभा, मध्य प्रदेश में सागर, बैतूल और मुरैना में रैली की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, महासमुंद और सरगुजा में 3 रैलियां की तो वहीं राहुल गांधी भी चुनावी समर में पूरे दमखम से उतरे हैं। वो रोजाना करीब 2 रैलियां कर रहे हैं। 20 से 30 अप्रैल तक राहुल गांधी ने 2 केंद्र शासित प्रदेश समेत 10 राज्यों में कुल 11 जनसभाएं की। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दमन, द्वीप, मध्य प्रदेश में 1-1, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2-2 रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भिंड, गुजरात एवं पाटन, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, उड़ीसा में केंद्रापारा, दमन और द्वीप, बिहार में भागलपुर, उत्तर प्रदेश में अमरोहा, कर्नाटक के बीजापुर और बेल्लारी में 2 रैलियां की। साथ ही महाराष्ट्र में शोलापुर, अमरावती में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अप्रैल में सबसे ज्यादा जोर महाराष्ट्र पर लगाया। उनकी हर 5 में से 1 रैली यही हुई। सूबे में वो राहुल गांधी के मुकाबले कहीं आगे नजर आए, जबकि राहुल गांधी का पिछले महीने का ज्यादातर चुनाव प्रचार दक्षिण के राज्यों को साधने में गया। अपने कुल चुनावी कार्यक्रम का आधा हिस्सा राहुल ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के नाम न्यौछावर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी बीजेपी अब राजनीति की यूनिवर्सिटी बनती जा रही है। भाजपा को जाने अभियान के तहत लोकसभा चुनाव को समझने और देखने के लिए विदेशी प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। 3 दिनों तक ये चुनावों की तैयारियों को करीब से देखेंगे और जानेंगे भी क्या है विदेशी डेलीगेट्स को लेकर चुनाव की तैयारी। आइए दिखाते इस रिपोर्ट के माध्यम से। राजनीति की यूनिवर्सिटी बनी बीजेपी। बीजेपी से राजनीति के गुर सीखेंगे विदेशी। संगठन और चुनावी तैयारियों की सीख। दुनिया जानेगी बीजेपी कैसे रही जीत। देश भर में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं
और इसी बीच गुरुवार को भारत का चुनाव देखने और समझने के लिए विदेशी प्रतिनिधि मंडल राजधानी भोपाल पहुंचा। 3 दिनों तक 6 देशों से आए ये प्रतिनिधि एमपी की राजनीति को करीब से देखेंगे और समझेंगे। युगांडा, नेपाल, इजराइल, श्रीलंका, मॉरिशियस, वियतनाम के डेलीगेट्स आए हुए हैं, जो 1 मई से 5 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तो दुनिया के देशों के पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को अध्ययन करने के लिए आए हैं। आज 6 देशों के प्रतिनिधि, आज मेरे साथ भी उनका यहां पर बातचीत हुई है। गुरुवार को भोपाल बीजेपी कार्यालय में हुई चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक में भी सभी विदेशी मेहमान शामिल हुए, बीजेपी की बारीक रणनीति से रूबरू हुए। ये लोग चुनावी सभाओं में भी शिरकत करेंगे। वैसे विदेशी डेलीगेट्स के इस पॉलिटिकल लर्निंग पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, जरा उसे भी सुन लीजिए। क्या सिखाया उनको, कैसे सरकारें गिराई जाती, कैसे दल बदल कराया जाता है, कैसे पैसे दे के लोगों के इस्तीफे कराए जाते हैं, क्या सिखाया? ये सिखाया कि किसी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के कारखाने में तब्दील कर दिया जाए और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो विचार बहने की प्रक्रिया है, जो अस्मिताएं हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको कैसे खत्म की जाए, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया क्या? बीजेपी ने 43वें स्थापना दिवस पर भाजपा को जाने अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत विदेशी प्रतिनिधिमंडल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को जानने पहुंचा है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी गौरव वाली बात है कि हम सियासत में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंजलि सिंह, INS न्यूज 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में राजघराने के 2 युवा तेज धूप में पसीना बहा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह अपने अपने पिता के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में आम लोगों से बेहद अलग अंदाज में मिल रहे हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पे हम ये देखेंगे, एक फोटो सेशन है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लोगों का जिस तरह का जुड़ाव है, उसी तरह महाआर्यमान सिंधिया का जुड़ाव है। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये आपका जो कनेक्ट लोगों से हो रहा है, गुना के लोगों से, और रोज मिलना, और वैसे हम देखते हैं कि अधिकांश समय बाहर बीतता है, कैसा महसूस हो रहा है इस बार और पिछले बार के बीच में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जिस तरीके से जनता हमारे हमको मिलने आ रही है, उत्साहिता दिखा रही है, जोश दिखा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे एक मौका मिला है अपने जनता से एक गहरा संबंध बनाने का, तो मुझे भी खुद मजा आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है और उसमें जो एविएशन के कार्यों को लेकर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के कार्यों को लेकर काफी तारीफ की, कितनी प्रेरणा मिलती है इन सबसे? बहुत प्रेरणा मिलती है और मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल है कि मेरे पिता इतने अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है देश में वो जनसेवा के नाते वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, जिस तरीके से वो प्रगति और विकास अपने क्षेत्र के लिए ला रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। वो काफी लेबोरियस हैं, हम जैसा देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, तो वो लेबर, वो जिस तरह के एफर्ट्स लगते हैं वो पॉलिटिक्स में लगते हैं, तो कभी आपका मन हुआ कि इतने एफर्ट्स करके पॉलिटिक्स में आपको भी उतरना चाहिए? नहीं, देखिए मेरे लिए जनसेवा हमारे DNA में है, हमारा परिवार हमेशा ये करते जा रहा है, और मैंने हमेशा माना है, मैंने हमेशा माना है कि माध्यम कुछ भी हो लेकिन हमारे परिवार में जनसेवा जरूर होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, व्यापार हो, खेल हो, कुछ भी हो, लेकिन जनसेवा उसके अंदर होना चाहिए। सिंधिया परिवार को लेके, बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए, सिंधिया परिवार को लेके एक ग्लैमर रहता है लोगों के बीच में, वो एक एक्स्ट्रा ग्लैमर दूरियां बनाता है या फिर करीबी बनाता है? देखिए हम तो जितना पास आने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं, आपने देखा है मैं लोगों के घर घर में जाके खाना हूँ, पका रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो ऐसे कोई बात नहीं है ग्लैमर का, जितना हम पास जा सकते हैं, जितना पास जनता लेके जाती है, हम घर घर में घुस के उनके पास जाते हैं। जो प्रचार का स्टाइल इस बार आप लोगों ने बदला है, छोटी छोटी सभाओं पे बड़ा फोकस है, नुक्कड़ सभाओं पे बड़ा फोकस है, हमारा ये प्रयास है कि बुरे लोग, सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये आप
आपका जो कनेक्ट लोगों से हो रहा है, गुना के लोगों से, और रोज मिलना, और वैसे हम देखते हैं कि अधिकांश समय बाहर बीतता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से लगातार विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा विवाद के बाद से लगातार ट्वीट कर रही हैं। राधिका के ट्वीट ने जहां कांग्रेस को असहज कर दिया, वहीं भाजपा को कांग्रेस पर तंज कसने का अवसर भी दे दिया है। राधिका ने किस पर बोला हमला, क्यों मचाए से लेकर बवाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने विवाद के बाद ट्वीट पर ट्वीट कर सीधे कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने नाम न लेते हुए सुशील आनंद शुक्ला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा, साथ ही प्रियंका गांधी के आने के पहले उनके नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का प्रयोग करते हुए कहा कि वो भी लड़ रही हैं। राधिका के इस ट्वीट से सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने उनके ट्वीट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, ओपी चौधरी और अजय चंद्राकर की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अरुण साव ने कहा कि राजीव भवन में ही बेटियां सुरक्षित नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भूपेश बघेल ने खेड़ा के बयान का हवाला देते हुए मामले की जांच कराने की बात कही है। वहीं पीसीसी चीफ ने इसे सुलझा लेने की बात कही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से महिला नेत्री का कांग्रेस भवन में, कांग्रेस कार्यालय में अपमान हुआ है, और जो रोता हुआ उनका वीडियो वायरल हुआ है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी सम्मान हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, और ये परंपरा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भी नहीं निभाई जा रही हो तो ये बताता है कि क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो रखी है। और जनता बखूबी देख रही है, और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जिस प्रियंका गांधी ने दिया, वो अपनी पार्टी में उस विषय के लिए वहां के पदाधिकारी को पार्टी के अंदर ही लड़ना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यजनक। जो मीडिया से देखते हैं, उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे, बात समाप्त होगी, जांच होगी, जो गलत पाएगा उसकी कार्रवाई होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान सबको है, और सबको बोलने का अधिकार है, मान सम्मान सबके लिए। अगर कोई बात है, पार्टी के अंदर की बात है, हम लोग उसको सुलझा लेंगे और घर में बैठ के बात करेंगे। मतदान के ठीक पहले राधिका खेड़ा के साथ विवाद ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं राधिका के ट्वीट ने कई सियासी संदेश भी दिए हैं। यही वजह है कि राधिका के पार्टी छोड़ने और भाजपा में जाने की अटकलें भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राधिका खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेंगी। रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में हुए दुर्व्यवहार के मामले में राजनीति तेज हो गई है। इस घटना के बाद जहां राधिका बैक टू बैक ट्वीट करके अपनी ही पार्टी को घेर रही हैं, तो वहीं पूरी भाजपा राधिका खेड़ा के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा विवाद छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ राधिका खेड़ा सोशल मीडिया में बैक टू बैक ट्वीट करके अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, तो वहीं पूरी बीजेपी राधिका खेड़ा के समर्थन में आ गई है। बीजेपी सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने ट्वीट कर लिखा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ घटित दुर्व्यवहार की घटना निंदनीय है। राधिका जी, आपको कानूनी मदद प्रदान की जाएगी। आपके साथ हुए अन्याय और दुर्व्यवहार के लिए रायपुर के किसी भी थाना में आप शिकायत FIR दर्ज करें। प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो सभी महिलाओं के लिए कानून का राज स्थापित करती है। विधायक राजेश मूणत ने ट्वीट करते हुए कहा, राधिका जी ने भूपेश बघेल के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई है। नारी विरोधी भूपेश बघेल के खिलाफ पूरी ऊर्जा से लड़िए। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि वह न्याय के लिए प्रशासन के पास जाती हैं,
तो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से मिलकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगा। वहीं विधायक अनुज शर्मा ने कहा है कि राधिका खेड़ा खुद को कांग्रेस से बचा लें, बाकी वह छत्तीसगढ़ में पूरी तरह सुरक्षित हैं। कल भी मैंने भी ट्वीट किया था, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है। छत्तीसगढ़ के संस्कार में किसी महिला को अपमानित नहीं किया जाता जो संस्कार से जुड़ा है, और बाहर की यदि महिला आके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा भी अपमानित होती है तो छत्तीसगढ़ शर्मसार होता है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं है, इस मामले की जांच करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और यदि सुश्री राधिका खेड़ा जी प्रशासन के पास जाएंगी तो हम प्रशासन से भाजपा के डेलीगेशन मिलकर आग्रह करेंगे कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए करके। कोई भी महिला अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है तो उसे सुरक्षित होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की बात है और छत्तीसगढ़ में हर महिला सुरक्षित है, लेकिन अगर चाहे वो कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की, अगर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है तो हम सब उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। बस चिंता इस बात की है वो उनके जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनसे उनको जो डर है उनको डरने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकसभा चुनाव के बीच राधिका खेड़ा का विवाद जहां कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है, तो वहीं बीजेपी इस पर सियासी लाभ लेने खेड़ा के समर्थन में उतर आई है। अब देखने वाली बात होगी इस मुद्दे से कांग्रेस को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा मिल पाता है। INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट, रायपुर। फिलहाल के ये 24 का महासंग्राम में बस इतना ही, आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।